नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आज का हमारा विषय, जैसे कि आज ये मेरे पास एक नया पाल्म आया है और इनका जो प्रश्न है कि मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज होगा कि नहीं होगा, मैडम जी ये प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे घर में जो है रिश्ते वगैरह देखे जा रहे हैं और मैं किसी को पसंद भी करती हूँ, तो मेरा लव मैरिज होगा या नहीं होगा ये मुझे कंफर्म जानना है। तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करती हूँ। जो लोगों को भी आप लोगों को भी हाथ का एनालिसिस अपना करवाना चाहते हैं या हाथ का वीडियो चाहते हूँ, जैसे कि मैं हैंड का प्रोडक्शन करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड करती हूँ, आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो बना करके मैडम जी आप मुझे प्रोवाइड करें, तो हैंड एनालिसिस वीडियो जो चार्जेस हैं वो 1500 रुपये है और फीस आप लोग पेटीएम भी कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो या बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो या फिर फ़ोन पे कर सकते हो। आप लोगों को दोनों फ़ोटो हैंड का मुझे व्हाट्सअप में सेंड करना पड़ेगा। स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट नंबर ये फ्लैश हो रहा है, अपॉइंटमेंट ले करके आप लोग डिटेल मुझे व्हाट्सअप में सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा 1500 रुपये फ़ीस, तब आपको वीडियो बना करके आपको व्हाट्सअप में सेंड कर दिया जाएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारी वीडियो को यूट्यूब पर ना डाली जाए तो आपकी वीडियो नहीं डाली जाएगी, जब आप बोलेंगे तभी आपकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, ठीक है। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस बिल्कुल नहीं है, तो जो लोग फ्री में चाहते हैं प्रोडक्शन वो लोग बिल्कुल भी कॉल ना करें, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से पहले ही बता देना चाहती हूँ। चलिए आज का विषय स्टार्ट करती हूँ मैं। चलिए, यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ कि इनकी जो हथेली है वो बिल्कुल स्क्वायर टाइप है, बिल्कुल बिल्कुल स्क्वायर टाइप है, पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत मेहनत करने वाली लड़की हैं, अपने कर्म पे ही विश्वास करते हैं ऐसे लोग। लेकिन इनकी हथेली पर एक अच्छा पॉइंट आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी इनकी हथेली पर। इनकी हथेली में प्लस पॉइंट ये, यहाँ आप इनकी हथेली पर नोटिस कर रहे होंगे पिंकिस्ट पिंक कलर इनकी हथेली में पर्वतों पर भी दिखाई दे रहा है, पिंक कलर इनकी हथेली पर काफ़ी जगह दिखाई दे रहा है। जिसकी भी हथेली बिल्कुल पिंक नुमा, बिल्कुल गुलाबी नुमा, बिल्कुल गुलाब की जैसे पंखुड़ी होती है वैसी दिखाई देती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लक्ष्मीपति होते हैं आफ्टर मैरिज के बाद। ऐसी अगर फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर के हथेली में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और अधिक से ज़्यादा पिंक नुमा जो गुलाबी हथेली जो है बिजनेसमैन के हाथों में देखा जाता है, जॉब वाले पर्सन की हथेली में पिंक नुमा गुलाबी हथेली कम देखी जाती है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है लक्ष्मीपति होते हैं, जो फीमेल होती है उनकी बहुत अच्छी जगह मैरिज होती है और आफ्टर मैरिज के बाद भी काफ़ी लोग ऐसे ज़्यादा खुश रहते हैं अपनी मैरिज से, ठीक है। एक ये प्लस पॉइंट था इनकी हथेली पर। जैसा कि मैं इनकी हथेली पर एक ये भी पॉइंट देख रही हूँ कि इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से इनकी मस्तिष्क रेखा इनकी स्टार्ट हुई है और ये इनकी जीवन रेखा है, बिल्कुल गोलाई लिए हुए नीचे की तरफ जा रही है इनकी जीवन रेखा, बिल्कुल जा रही है ऐसे राउंड होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी इनकी जीवन रेखा है। और लक लाइन इनकी बहुत ज़्यादा मोटी है, इनकी लक लाइन फीमेल के हाथ में लक लाइन मोटी नहीं होनी चाहिए, जितनी पतली होती है उतनी अच्छी होती है लक लाइन, ठीक है। बट लेकिन इनकी हथेली पर जो लक लाइन है काफ़ी ज़्यादा मोटी है और यहाँ पर जो है यहाँ पे कुछ रेखाएं भी हैं जो कि काट रही हैं, देखने को मिल रहा है जैसे कि हथेली पर दिखाना। इनकी हथेली पर यहाँ पर जैसे कि मुझे यहाँ पर चंद्र पर्वत पर जैसे कि मैंने यहाँ पर राउंड किया हुआ है, चंद्र पर्वत के सर्कल पर जैसे कि यहाँ पे इनका ये जो एरिया जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये दिखा रहा है कि आफ्टर मैरिज के बाद ये प्रॉपर जो है सेटल हो सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ, एब्रॉड में भी सेटल हो सकती हैं, जो कि लक लाइन से टच करती हुई कुछ रेखाएँ हैं जो कि ये भी शो ऑफ कर रही हैं कि आफ्टर मैरिज के बाद में ये सेटल हो सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ एब्रॉड में, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर इनकी मैरिज लाइन में यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर बुध का जो पर्वत है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है और ये इनकी मैरिज लाइन इनकी हल्की सी मुझे दिख रही है यहाँ पर, जो कि अभी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जैसे कि ये रेखाएँ, ये छोटी सी रेखाएँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये शो ऑफ करती हैं कि पहले भी इनका कोई गंभीर रिलेशन था,
ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पर ये दिखा रही है कि इनका गंभीर रिलेशन था किसी के साथ पहले भी, बट लेकिन इनका वहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और अभी इनका यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ, इनका लव मैरिज और अरेंज मैरिज का प्रश्न है कि मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं इनकी हथेली पर यहाँ पर देखना चाहूँगी कि यहाँ पर इनका जो शुक्र माउंट है, शुक्र माउंट से तो मुझे देखने में यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे कोई भी साइन नहीं मिल रहे हैं कि जैसे इनका लव मैरिज हो सके। इनका ओवरऑल जब भी होगा इनका अरेंज मैरिज ही होगा, क्योंकि अरेंज मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रेखाएँ ऐसे ऐसे काट भी रही हैं, कुछ रेखाएँ सीधी भी स्ट्रेट भी खड़ी हुई हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज के बाद काफ़ी ज़्यादा ये हैप्पी रहेंगी, क्योंकि अभी की जो लाइफ है आपकी बहुत ज़्यादा संघर्षमय है और संघर्ष भी आप अभी कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा से यहाँ पे कुछ जो रेखाएं हैं वो काटती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, जो कि ऐसे ऐसे काट रही हैं, यहाँ पर लाइनों को दिख रहा है पूरा। थोड़ा सा जाली नुमा भी ऐसे ऐसे बना रही हैं यहाँ पर कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर संघर्ष इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहा है और संघर्ष इनके जीवन में अभी भी रहेगा, लेकिन जो मैरिज की जो उम्र है यहाँ पर, जैसे कि मुझे ये एक लाइन यहाँ पर देखने को मिली थी, मैरिज की जो उम्र है इनकी, आफ्टर मैरिज आपकी जो है 28 के बाद ही आपके मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। अभी मैरिज के कोई भी चांसेस नहीं है, लेकिन जब भी होगी आपकी अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज का कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है, ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। दूसरी बात ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है जातक का जो है, यहाँ पे ये जो इनका अंगूठा है काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं, खुद पे ही भरोसा रखते हैं, दूसरों के ऊपर भरोसा कम करते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक को जो है धोखा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ऐसे लोग चतुर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं भी जगह में पैसा खर्च करने में 2-10 बार सोचते हैं, किसी भिखारी को पैसा देने में 10 बार सोचते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ इनके यहाँ पर सूर्य फिंगर की। सूर्य फिंगर यहाँ से बिल्कुल शनि की फिंगर से बिल्कुल अलग है, जो कि मुट्ठी ऐसे हथेली को ऐसे ऊपर खोलने पर जो कि जो है सूर्य की जो फिंगर है बिल्कुल अलग से ही दिखाई पड़ रही है, गैपिंग है बीच में, ठीक है, जो ये शो ऑफ करती है कि ये अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगी और फैमिली से ज़्यादा इनको सपोर्ट भी नहीं मिलता है, ये भी यहाँ से देखने पर पता चल रहा है। अभी इनका मैं यहाँ पर फाइनेंशियली पोजिशन देख लेती हूँ। फाइनेंशियली पोजिशन के लिए यहाँ पर जैसे कि ये परिवार के लिए काफ़ी कुछ करती हैं, क्योंकि कुछ रेखाएं हैं यहाँ पर हथेली में इनके, कुछ रेखाएं हैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी, जो कि अपने परिवार के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं, जो कि जो रेखाएं ऐसे नीचे से उठती हैं, मस्तिष्क रेखा से उठती हैं इस एरिया से, परिवार के बारे में काफ़ी कुछ सोचती हैं और करती भी हैं, लेकिन इनको परिवार से कोई भी लाभ और बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। और जब भी इनका होगा अरेंज मैरिज ही आपका होगा, ठीक है, इसके लिए आप निश्चित रहिए, लव मैरिज के लिए आप भूल जाइए, लव मैरिज में चांसेस में पड़ेंगे तो धोखा बहुत मिलेगा, आपके साथ लोग फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ रेखाएं हैं यहाँ पर जो कि देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर ज़्यादा पिक क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं जो ऐसे ऐसे निकलती हुई मुझे नज़र आ रही है नीचे से, ठीक है। और एक यहाँ पर ये क्रॉस का साइन है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, डाइवोर्स के भी यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं आगे फ्यूचर में आपकी लाइफ में, थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगी अपनी लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा आप ग्रोथ कर सकती हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकती हैं, अपनी फैमिली को जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो आपका विवाह तलाक के योग आपके जो बन भी रहे हैं वो भी आपके बनने रुक जाएंगे। ओवरऑल हथेली आपकी बहुत अच्छी है, इसमें केवल एक ही आपका प्लस पॉइंट का एक ही प्लैनेट है, एक तो यहाँ आपका वीनस का जो प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पहले भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रहे होंगे, रिलेशनशिप में भी आप रही हैं
काफ़ी लोगों के संपर्क में रही हैं, जो कि शुक्र माउंट के पर्वत से, और यहाँ पे कुछ हथेली में चिन्ह भी बने हुए हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगी, इस चीज़ को मैं सीक्रेट रखती हूँ, ऐसा मैं अलग से आपको व्हाट्सएप में बता दूँगी, ठीक है। क्योंकि ये आपने रिक्वायरमेंट किया था कि यूट्यूब में आप मेरी वीडियो को पब्लिश कर दीजिएगा, बट लेकिन आपके मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहूँगी। चलिए आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, जिससे हमको मोटिवेशनल हम लोगों को मिलता रहता, ताकि और भी चैनल के माध्यम से और भी वीडियो हम लोग प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमस्कार, राधे राधे। जो लोग भी हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, 9120101561। हैंड एनालिसिस जो फीस है हमारे यहाँ वो 1500 रुपये है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जो लोग चैनल पर नए आए हैं। नमस्कार, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।